इस साल एक बार फिर स्मॉग दिल्ली शहर पर कब्जा करने आ गया है। हर साल की तरह इस साल भी स्मॉग ने दिल्ली शहर को ढकना शुरू कर दिया है। और आपको बता दें कि स्मॉग केवल सेहत के लिए ही नहीं, बल्कि इसके कारण पिछले सालों में दुर्घटनाओं में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। काफ़ी लोगों को अभी स्मॉग और धुंध के बीच फर्क शायद मालूम नहीं होगा। दरअसल फॉग को समझना काफ़ी आसान है। कोहरा यानी फॉग और धुंध, और सरल भाषा में कहे तो जब कोहरा धुंध मतलब प्रदूषण से मिल जाता है तो स्मॉग बनता है। हर बार की तरह इस बार भी स्मॉग नवंबर दिसंबर में ही अपने पैर पसारने को तैयार है। स्मॉग होने की असली वजह है पंजाब हरियाणा में हर साल नवंबर दिसंबर के समय 1,80,00,000 टन पराली खेतों में जला दी जाती है। सरकार ने भी इस तरह पराली, जिसे आम भाषा में भूसा कहते हैं, जलाने वाले किसानों के लिए सजा तय कर रखी है। पंजाब में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक हर साल किसानों को इसके लिए जागरूक किया जाता है, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं होता। नासा की रिपोर्ट के अनुसार पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में हर साल जलाई जाने वाली पराली की वजह से और हवा की गति में गिरावट से एयरलॉक के हालात हो जाते हैं, यानी इससे होने वाला धुआं प्रदूषण के कणों से मिल जाता है और स्मॉग में बदल जाता है। अगर किसानों की भी बात की जाए तो उनका कहना है कि उनके पास संसाधनों की कमी है, यही कारण है कि उन्हें हर साल इसे मजबूरी में करना पड़ जाता है। पिछले कई सालों से ये स्मॉग हम लोगों के लिए काफ़ी घातक बन चुका है। स्मॉग के कारण सड़क दुर्घटना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके वजह से ठंड के मौसम में दिल्ली के साथ साथ हरियाणा, यूपी और अन्य शहरों में ज़्यादा दुर्घटना वाले क्षेत्र बन जाते हैं। ऐसी कई वीडियो सामने आती हैं जिसमें हम देख पाते हैं कि स्मॉग के कारण कई गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं। रिपोर्टर्स की माने तो 2015 से सड़क दुर्घटनाओं में स्मॉग कारण लगातार वृद्धि हुई है। स्मॉग से केवल दुर्घटनाओं में ही वृद्धि नहीं होती, बल्कि ये सेहत के लिए भी काफ़ी नुकसानदायक हो जाता है। दरअसल स्मॉग में पानी की बूंदों के साथ धूल और हवा के मौजूद जहरीले तत्व जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलकर नीचे की तरफ ओजोन की गहरी परत बना लेते हैं, और इससे काफ़ी सारी बीमारियां होती हैं। खांसी, सांस लेने में तकलीफ, त्वचा संबंधी बीमारियां, बालों का झड़ना, आंखों में जलन और भी कई सारी बीमारियां हो जाती हैं। आप स्मॉग की चपेट में ना आए, सड़क दुर्घटनाओं और बीमारियों से दूर रहें। इसके लिए ज़रूरी है कि गाड़ियों का कम से कम इस्तेमाल करें, बाहर निकलते समय मुँह और नाक अच्छे से ढक लें, क्योंकि सावधानी ही सुरक्षा है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक न्यूज़ को फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं।